ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश के युवाओं को बड़ी राहत देते हुए अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान में एक बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत अब गैर तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए अलग अलग परीक्षा की जगह पर एक ही समान पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET देनी होगी। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। इस समान पात्रता परीक्षा का आयोजन RSSB की ओर से किया जाएगा। आदेश के अनुसार यह परीक्षा एक चरणीय बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र पर आधारित होगी। परीक्षा में अर्जित अंकों की वैधता अवधि 3 वर्ष तक रहेगी। इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की कोई सीमा नहीं होगी। आयु संबंधी और अन्य पात्रता के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी भाग ले सकता है। कार्मिक विभाग के आदेशानुसार अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं के गैर तकनीकी पदों के लिए इस टेस्ट को क्लियर करना अनिवार्य होगा। इस पात्रता परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर ही नियुक्ति दी जाएगी। ग्रेजुएट और सीनियर सेकेंडरी योग्यता के आधार पर करीब 20 विभागों में नियुक्ति दी जाएगी। इस परीक्षा का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से किया जाएगा। सामान्यतः हर साल यह परीक्षा आयोजित होगी। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र के आधार पर होने वाली इस परीक्षा में एक ही चरण होगा। समान पात्रता परीक्षा के लिए राजस्थान प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी को समन्वयक बनाया जाएगा। समान पात्रता परीक्षा में आने वाले अंकों को सार्वजनिक किया जाएगा। परीक्षा में किसी तरह का कोई उत्तीर्णांक नहीं होगा, बल्कि किसी पद विशेष की भर्ती के समय इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाएगा। समान पात्रता परीक्षा की वैधता 3 साल के लिए रहेगी। ऐसे में अभ्यर्थी एक बार परीक्षा देने के बाद 3 साल तक उन्हीं अंकों के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। समान पात्रता परीक्षा में बैठने के लिए किसी तरह की कोई सीमा नहीं होगी। जितनी बार चाहे उतनी बार यह परीक्षा दे सकते हैं। कोई भी अभ्यर्थी अंक सुधार के लिए बार बार समान पात्रता परीक्षा दे सकता है या फिर अपने अधिकतम अंकों के आधार पर 3 साल आवेदन कर सकता है। समान पात्रता परीक्षा के लिए आयु एवं अन्य मापदंड के संबंध में राज्य में पहले से चल रहे आरक्षण नियम ही लागू होंगे। ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा होगी। इस आधार पर किसी व्यक्ति को नौकरी देने के लिए आयोग मजबूर नहीं होगा। समान पात्रता परीक्षा के लिए एक बार ही पंजीयन कराना होगा। इससे बार बार फीस देने सहित अन्य समस्याओं का निपटारा हो जाएगा। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए ये नौकरी है: जिलेदार, जूनियर अकाउंटेंट, TRA, टैक्स असिस्टेंट, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज ऑफिसर, मैनेजर इंडस्ट्रियल इस्टेट, इंडस्ट्रीज इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर, कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेटर सुपरवाइजर, डिप्टी जेलर, असिस्टेंट जेलर, पटवारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड सेकंड। वहीं अगर आप सीनियर सेकेंडरी पास आउट हैं तो आपके लिए लेबोरेटरी इंचार्ज, फॉरेस्टर, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, क्लर्क ग्रेड सेकंड, RPSC सचिवालय, जूनियर असिस्टेंट पंचायत राज में LDC, जमादार ग्रेड सेकंड से संबंधित नौकरियां उपलब्ध होगी। समान पात्रता परीक्षा के लिए दिशा निर्देश इस प्रकार हैं: अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं के गैर तकनीकी पदों की भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए समान पात्रता परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य होगा। किसी भी अभ्यर्थी को अन्यथा पात्र होने पर इस समान पात्रता परीक्षा में अर्जित अंकों के आधार पर ही किसी पद की भर्ती हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने हेतु पात्र माना जाएगा। स्नातक एवं शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अनुसूची में उल्लेखित पदों के लिए पृथक पृथक समान पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। समान पात्रता परीक्षा का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किया जाएगा। बोर्ड द्वारा इस परीक्षा का आयोजन सामान्यतया वर्ष में एक बार किया जाएगा। समान पात्रता परीक्षा एक चरणीय बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र पर आधारित परीक्षा होगी। परीक्षा के नियमित आयोजन के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड में एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा परीक्षा आयोजित करने के पश्चात सभी अभ्यर्थियों के अंकों को सार्वजनिक किया जाएगा। समान पात्रता परीक्षा हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे, बल्कि किसी पद विशेष की भर्ती के समय इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। समान पात्रता परीक्षा में अर्जित अंकों की वैधता अवधि 3 वर्ष रहेगी, अर्थात कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा में एक बार अर्जित अंकों के आधार पर अन्यथा प्राप्त होने पर 3 वर्ष तक संबंधित पदों के लिए आवेदन के लिए पात्र माना जाएगा। समान पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु अवसरों की कोई सीमा नहीं होगी। आयु संबंधी एवं अन्य पात्रता के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी अपनी रैंकिंग,
अंक सुधार हेतु कितनी ही बार भाग ले सकता है तथा जिस अवसर में अधिक अंक अर्जित करेगा उसे पात्रता हेतु गिना जाएगा। समान पात्रता परीक्षा के लिए आयु एवं अन्य मापदंडों के संबंध में राज्य में प्रचलित आरक्षण प्रावधान लागू होंगे। यह केवल एक पात्रता परीक्षा होगी तथा इस परीक्षा में अर्जित अंकों को किसी भी पद के अंतिम चयन के लिए गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन की ऐसी व्यवस्था विकसित की जाएगी जिससे न केवल समान पात्रता परीक्षा बल्कि इस परीक्षा के आधार पर किसी भी पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को बार बार आवेदन नहीं करना पड़े। समान पात्रता परीक्षा संबंधी प्रावधान पहले से विज्ञापित पदों की भर्तियों पर लागू नहीं होंगे। पहले से प्रक्रियाधीन विज्ञापित सभी भर्तियों पूर्व निर्धारित प्रक्रिया कार्यक्रमानुसार जारी रहेगी। राज्य सरकार से संबंधित राजकीय उपक्रमों स्वायत्त शासी संस्थाओं निगम बोर्ड बैंक आदि द्वारा भी अपने संस्थानों में कार्मिकों की नियुक्ति में समान पात्रता परीक्षा के अंकों का उपयोग किया जा सकेगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स राजनीति का कच्चा चिट्ठा।